ने बाहुबली को क्यों मारा ये प्रश्न तो देश में बहुत हुआ एक और प्रश्न देश में बहुत है। वो ये है वो कि का असली नाम क्या है? है है, मैंने सुना है जो लड़कियों को छेड़ता है, उसको फिर आप ऐसा हैंडल करते हैं कि दोबारा हिम्मत नहीं करता तो तो हाँ जी स्वागत है आपका मैं कॉम भाई लोगों में हर दिन एक नया टेस्ट नई चुनौती का माहौल है हर दिन एक नया टेस्ट नई चुनौती का माहौल है लेकिन जो लोग अपनी खुद अपनी जिंदगी का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनके जवाब सारी दुनिया के लिए एक पावरफुल लेसन बन जाते हैं नमस्कार आज फिर से स्वागत करूंगा और आपको नहीं मिलाऊंगा मैं किससे मिलवाने जा रहा हूं क्योंकि पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं उन्हें कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं हमने जब बड़ा भारत की शुरुआत करी थी तो सुपर थर्टी के गुरु हमारे यहां आए थे जिनको आप सब जानते हैं

कॉफ़ी के खर्चे से कम इरादे आपके नेक है तभी कीमत रुपया एक है आ? तो मतलब यह है कि एक फेमस सेइंग है कि आपके जो कोर्सेज़ हैं खान सर वो इतने सस्ते हैं कि कंपटीशन पैदा नहीं हो सकता है तो इतने सस्ते कोर्सेज़ आपने लॉन्च कैसे किए देखिए हमको लगता है ना कि जिसे ज़िंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है वैसे एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है भारत को विश्व गुरु कहा जाता था हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती थी तो हम लोग इसको खोते जा रहे हैं रीज़न क्या है कि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है तो हमको ना ये ये एक छोटा सा हिस्सा दिखता है कि हम पढ़ा रहे हैं लेकिन ये एक वो फ़ौज तैयार हो रही है ना जो भारत को वो पुराना गौरव दिलाएगी तो हमको वो एक बड़े एस्पेक्ट्स में सोचना है कि हमको कैसे पूरी एक समझिए कि एक पढ़े लिखो की एक सेना खड़ी करनी है जो तलवार से नहीं कलम से लड़ेगी और उस समय जब भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी हमको वही वाला भारत चाहिए और इसके लिए बहुत बड़ा फीस देंगे तो नहीं पॉसिबल है हमको चाहिए कि वो एक ठेला वाला रिक्शा वाला जो है जिसके पास कुछ नहीं है पैसे एक रुपए भी पड़ स वो भी नहीं है तो वो भी आए

दिन में हम लोग बटोर के लाते थे घर के आगे कॉलेज था तो वो जो ए, कुछ के किताब जो फेंक देते थे कॉपी तो उसमें जो सादा रहता था उसको फाड़ ले जाते थे और उसको सील के मम्मी दे देती थी और उसको हम लोग ना कॉपी चेक कराने नहीं ले जाते थे क्योंकि स्कूल वालों का एक स्ट्रेटजी होता है कि कॉपी मेरे यहाँ से खरीदो यह तो कॉपी ही नहीं है सिली हुई है तो तो पीट देते थे लोग कि क्यों नहीं लाए तो पिटाना ही ठीक था वहाँ लेते तो बैन कर देते थे भैया तुमको कॉपी लेनी ही पड़ेगी और अब आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे जहाँ ज्वाइन नहीं कर पाए ये मेरा हाथ ये अजीब टी जॉइन किया मतलब हमको बस आर्मी ही चाहिए थी और कुछ भी नहीं चाहिए हम जब दस टेंथ में पढ़ते थे तो जो एन -सी -सी में गए थे तो शूटिंग जब दिया गया बहुत बेहतरीन शूटिंग किए तो जो कर्नल साहब थे हम लोग के उस समय जो कर्नल थे कर्नल उदय सिंह राठौर हम लोग के सी साहब थे वहाँ पर वो बुलाए कर, करेगा क्या तू आगे आर्मी वालों की भाषा ही बहुत स्टिक होती है तो हम उन्हीं को देख के कहें यही बनना है हमको तो बाद में वो एन वगैरह जाना था तो काफ़ी मेडिकल टर्म्स उसके हार्ड होते हैं तो वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया इनमें और ऐसे चीज़ों में आप छटिएगा जो कभी सही भी नहीं हो सकता है तो फिर वहाँ जाना कोई मतलब नहीं बनता फिर बाद में एजुकेशन टीचिंग में चले तो सी बी एस ई आपने दसवीं और... इंग्लिश से किया अच्छा और ट्वेल्थ आपने हिंदी से किया बाद में एन मेडिकल फिट होने के कारण गए नहीं और बी करने के बाद आपने एम ए में किया तो मैं देख रहा था कि बार बार आप बदल रहे थे बार बार प्रोफेशनल डायरेक्शन बदल रहे थे और करियर में आपने कई दफ़ा चेंजेस किया और बाद में आप मास्टर जी बन गए आज आप सिखा रहे लेकिन आज पच्चीस साल से उम्र के कई कम उम्र के बच्चे हैं आप अपने अनुभव से उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना करियर कैसे चूज करें सबसे बड़ा चीज़ हम एक चीज़ कहेंगे ना जो चीज़ कर सकते हैं ना वही करना चाहिए कई लड़कों को देखते हैं उनका दिमाग माइंडसेट बिजनेस का है जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं इधर में वो भी सही बात नहीं है अब किसी का बिजनेस में घुसार दिए उसको पढ़ने का शौक़ है तो पहले उनको पता होना चाहिए हमको पता था कि अगर हम इंग्लिश मीडियम में रह गए रहते तो कुछ नहीं कर पाते हम सी बी एस ई मतलब तो मजाक के हिसाब से बोल देते हैं कि सी बी एस ई सी बी एस ई अदरवाइज हमको ना वहाँ दस परसेंट समझ में आता था बट स्टैंडर्ड एकदम बढ़िया टाई वगैरह सब रहता था पर शुरुआत में आपने एक बच्चे से शुरू किया था पढ़ाना और वो बच्चा बहुत निकम्मा था हमने सुना और बाद में आप वो बच्चा क्लास में टॉप करने लगा बड़ा भारत शो में हमने कई शिक्षक बुलाए हमने अलग पांडे जी बुलाए आनंद सर बुलाए अमन धत्रवाल और आज खान सर हमारे साथ में है तो कठिन सब्जेक्ट भी लोग आसान कर रहे हैं ये वो सारे टीचर्स हैं और आप भी कठिन सब्जेक्ट को बहुत आसान करते हैं पर दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज में आज भी रट्टे की बातचीत हो रही है भले टॉपिक समझ में आए ना आए तो आपको क्या लगता है क्या कमी है एजुकेशन सिस्टम में आपको आज एजुकेशन सिस्टम समझाना है मुझे एक लाइन में अगर आप ये समझाएं कि एजुकेशन सिस्टम में ये कमी दूर होनी चाहिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षक ये ठीक से नहीं समझ रहे हैं तो शिक्षक के बारे में क्या कहना चाहेंगे देखिए शिक्षा से आप रोजगार पा सकते हैं बट ये रोजगार का अवसर नहीं होना चाहिए आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप शिक्षक बन सकते हैं तो ही जाइए प्लीज हम सबसे कहते हैं आप पैसे के लिए जा रहे हैं तो ये आप भविष्य के साथ खेल रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ नहीं इस देश के भविष्य के साथ ये देश एक ट्रेन है जिसके चक्के के रूप में वो विद्यार्थी है जो अपने घरों में बैठा हुआ है आप उसके साथ नहीं खेलो आपको वो पैशन होना चाहिए आपका दस काम छोड़ के अगर आपको लगे कि नहीं अगर बोला जाए कि अगर आपको आज लास्ट डेट है तो आपको ये होना चाहिए कि जो चीज जाने उसको धड़लने सामने से दीजिए स्टूडेंट के पास जाओ भाई आप जा रहे। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए वहाँ पे पैसे के लिए होगा तो ये क्वालिटी ही गिरेगी ये मैं असल में टीचर्स के लिए काम करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं एक इस बार जो शिक्षक दिवस आ रहा टीचर्स डे तो मैं आज सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक फ्री वेबिनार करने जा रहा हूँ सबके लिए ट्रेन द ट्रेनर टीचर प्रोन्योरशिप और ये मेरा एक एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट होगा ये मेरा एक वेबिनार रहने वाला है और मैं बिल्कुल अफोर्डेबल करता हूँ एक्सेसिबल करता हूँ लेकिन आज फ्री करने जा रहा हूँ तो जितने भी शिक्षक लोग हैं वो सीखना चाहते हैं तो मैंने कई मेथडॉलॉजीज़ वो सारी मेथोडॉजीज जिसमें पब्लिक स्पीकिंग वीडियो प्रोनर ट्रेन द ट्रेनर वो आकर के आप फ्री में अटेंड करिए उसका फ़ायदा उठाइए उसमें कोई कमर्शल चार्ज नहीं मेरे यूट्यूब पर होने वाला चार तारीख को शिक्षक दिवस से एक दिन पहले क्योंकि उस दिन संडे है दोपहर बारह बजे होगा आइएगा और खान सर में आपको भी करूंगा कि आप भी अपने टीचर्स को बोलिए कि अटेंड करें क्योंकि आपके साथ और भी बहुत टीचर जुड़ते चले जा रहे हैं एक्चुअली ये जो आप प्रोग्राम वाला बात कर रहे थे हम आपका एक छोटा सा वीडियो हम आपने लगभग लग लग तीन चार साल पहले देखे थे आप शायद किसी गार्डन में आप मोबाइल से बना रहे थे वो वीडियो आपने बोले थे कि आज आपका वो इंटरप्रीनियोरशिप और बिजनेस के मामले में दुनिया में सबसे आगे आपका चैनल चला गया था वो वीडियो हम देखें और उस दिन हमारे दिमाग में एक चीज हिट कर गया चार कि साल पुरानी बात चार साल पुरानी बात है क्या जब हमारी भारत माँ की एक संतान ने भारत की पहचान पूरी दुनिया में ले गई कि जब दुनिया देखा जाएगा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस कोच कहां का चैनल तो भारत का नाम आएगा बाद में आपका आएगा पहले तो भारत का आएगा हमने सोच लिया कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है जो पूरे वर्ल्ड लेवल में भारत को आगे जाए तो मेरे भी दिमाग में तो हम क्या कर सकते तो हम तो एजुकेशन फील्ड में तो हमें उसी दिन से लगा था हमें भी एजुकेशन के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा चैनल ले जाना है वा, 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 और हमको ये बात बहुत खुशी हो रही है कि जिसकी वीडियो को हम देख के ये सोचे थे उसके पास आके ये बात बता रहे हैं हमको इस बात की बहुत खुशी है कि आज देश दुनिया में इंडिया वाले का फिर से डंका बजेगा साल पुरानी आपने आपने बात बताई हमारा वीडियो एक करोड़ सत्तर लाख शुरू में फेसबुक भी चलाना नहीं आता अभी था अभी भी नहीं आता नहीं और वीडियो आप खुद एडिट कर लेते वीडियो खुद एडिट करते हैं मतलब सत्रह लोग कई लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़ी नहीं इच्छा शक्ति होनी चाहिए विल पावर होना चाहिए हमारे पास कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह की टीम नहीं है कोई कंटेंट वगैरह बस कितने तो दिन में सीखा आपने सब ये लॉकडाउन में हम लॉकडाउन लग गया था तो हमारे पास कोई गांव में इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था और मेरे गांव में कमर इतना पानी भर जाता था तो हम ट्रक से गए पटना से सारा सामान लेके आए और लाइट लगाने का जगह नहीं था तो दो बांस काट के लाए बांस बांधे उसमें ट्यूबलाइट जोड़े वीडियो बनाना चालू कर दी शुरुआत की वीडियो में बहुत क्वालिटी खराब थी माइक कमजोर था ये सब चीज धीरे 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 खुद ही सीख गया आदमी पढ़ाने का ये अपने जुनून रहा है मैंने सुना वो ट्रक की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कोई ट्र, ट्रक ड्राइवर वाला आपने रोल निभाया था कुछ और ट्रक ड्राइवर लॉकडाउन में थक गया था उसके पास हिम्मत नहीं कर रही थी हम कहे भाई हम पढ़ाएंगे अगर हम लॉकडाउन क्योंकि लंबा चला गया शुरुआत में हम लोग को लगा था कि छोटा सा लॉकडाउन बट वो लंबा चला गया तो हमारी मजबूरी थी गांव कैसे लाएंगे तो, तो, तो ट्रक ड्राइवर बन गए उसको कि भाई जितना देर तुम चलाना चाहो चला सकते हो रोड तो खाली है हमको बहुत एक्सपीरियंस नहीं बट गाड़ी चला लेते हैं ट्रक चला लेंगे क्योंकि लॉकडाउन में पूरी सड़कें खाली थी खाली गए अब उसमें पकड़े कैसे तो हम शर्ट वर्ट उतार के गंजी ले लिया ऐसे गमछा बांध बिए चल दिए वहां से ट्रक ला के वापस लेके चले आए एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा समय देगा वाह ठीक बात है इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है वरना वक्त निर्धारित कर देगा करेगा कि आप क्या, क्या, करना, करना है <laughs> <laughs> मैंने जब आपके बारे में रिसर्च किया तो आपकी सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है और वो संघर्ष में जब अपने कोचिंग खोला तो मैंने सुना आपके ऊपर बम फेंके गए बहुत तीन तीन बम चला दिया गया एक तो बहुत अच्छी किस्मत थी फटा नहीं टारगेट बहुत अच्छा था फटा नहीं वहां पे तीन तीन बम मार दिया गया इसलिए कर दिया गया कि कि लड़के ना आए पे क्लास करने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम प्रॉब्लम होने लगा कई थे कि एक तो, तो ये ऐसा क्यों पढ़ा रहा है कि जो कोर्स महीने का है अगर वो तीन महीने भी जाएगा तो हमको जब तक लड़कों की संतुष्टि नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेंगे तो इस वजह से कई सारी ऐसी घटनाएं हुई थी हमको उस दिन ठान लिए कि हम जिंदगी में कभी इन बच्चों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जब मेरे कैंपस में पंद्रह बीस कोचिंग थी और मेरे कोचिंग पे पर्सनली बम चला था मेरे ऑफिस पे उड़ गया पूरा धुआं धुआं हो गया था बाकी ये सुबह साढ़े नौ बजे के आसपास की घटना है उस दिन शाम के शिफ्ट में कोई कोचिंग वाले ने क्लास नहीं खोला हमको उम्मीद थी कि वो हमारा आके मनोबल बढ़ाएंगे वो लोग खुद ही मतलब बंद करके चले गए लोग लेकिन लड़के और लड़कियाँ अलग अलग हॉस्टल लॉज से उठ के आई यहाँ पर लड़के लड़कियाँ सब कि सर आप क्लास लीजिए मेरे यहां बम फूटा था इवनिंग शिफ्ट का हम क्लास लिए बाकी बंद थे जो लड़के अंदर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे जो नेक्स्ट बैच के लड़के थे तो पूरे नीचे खड़े थे कि देखते हैं अब कौन आ सकता है यहाँ पे हम समझा रहे थे वो कह रहे थे तभी हम सोच लिए कि जिंदगी की आखिरी सांस भी होगी तो उन्हीं बच्चों के लिए होगी और जब लोग कहते हैं ना कि फीस या ये आप इतना कम क्यों लेते हैं वो हम इसलिए कम लेते हैं ना कि बच्चों का प्यार इतना ज्यादा देते हैं कि हमको वो भी ज्यादा लगने लगता है कि भाई वो इतना ज्यादा हमारे हम उस वक्त किसी पुलिस वगैरह कुछ नहीं आया था बच्चों का इतना मनोबल था तो हमारे लिए एक तरह का वो भी मोटिवेशन है कि ये बच्चों के लिए मैं सुना किसी ने आपको गोली मारने की धमकी भी दी थी कि एक वीडियो और बनाया तो गोली मार देंगे हाँ वीडियो हटाना पड़ गया था हमको वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पर नहीं है जबकि मेरे यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था वो तो हमको काफी मतलब उस शुरुआत में काफी दिक्कत होता है बहुत मैं सुना जब परेशानी आई तो आपकी जब में चालीस रुपए थे घर जाने का किराया नब्बे रुपए था हाँ। आप घर नहीं गए घर नहीं गए तो किराया प्रॉपर नहीं था और विदाउट टिकट आदमी सोचता है कि एक टीचर पकड़ा जाएगा तो एक और दिक्कत होगा टीचर विदाउट टिकट घूम रहे हैं तो हमने सोचा कि अब रुक रहे हैं तो ऊपर वाला ही रोक रहा है अब यहाँ रुकेंगे ना तब जाएंगे नहीं यहाँ से ऐसी मुश्किलें या तो इंसान को तोड़ देती हैं या सही रास्ते पे मोड़ देती हैं और आपको हमेशा इन मुश्किलों ने सही रास्ते पे मोड़ा और मैं बधाई देना चाहता हूं पर मैं फिर भी हैरान हूँ मतलब कि इतना करेज आप में कहा से आता है सर ऑप्शन भी तो नहीं था कुछ एक चीज़ हम देखें कि जिनको राजा बनने का शौक है ना उन्हें पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखना चाहिए तभी आपको कुछ करना पड़ेगा तो ऑप्शन भी नहीं था घर जाके क्या कर पाते कोई बहुत बड़ा घर से तो हम लोग थे भी नहीं एकदम मिडिल मिडिल से भी नीचे थे हम लोग तो दोस्तों ने काफ़ी हेल्प किया वहाँ पे फाइनेंशियली कुछ कुछ दोस्तों के पास तो अपना पॉकेट खर्च आता था तो कुछ 500 600 ऐसे दे देते थे और काफ़ी एक चीज़ अच्छा रहता है ना बिहार में अपना समोसा खरीदेगा तो उसके साथ सब्जी देते थे सर तो काफ़ी अच्छा रहता था कि आपने चावल बना लिया उसी को खा लिया पैसे नहीं थे कोई बात नहीं बट हमको बच्चों का हिम्मत देखना था कि हम इनको छोड़ के कैसे चले जाएंगे और वो लड़कों का यही कहना था कि सर आप नहीं पढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं था जो लत लग गई ना अब नहीं छूटेगा यहाँ पे हम कह अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ये सब ने सुना है भैया हंसते हंसते कट जाए रस्ते सुना है सब ने हंसते हंसते कट जाए रस्ते बच्चे लेके जाते हैं छोटे छोटे बस्ते हंसते हंसते कट जाए रस्ते लेकिन हंसते हंसते रट जाए बस्ते आपने बच्चों के बस्ते को पूरा उनको रटा दिया और इतना हंसा हंसा के आपके पढ़ाने का इंदाज थोड़ा निराला है ये तो हमने सुना है भैया कि स्टाइल और स्वैग बिल्कुल देसी क्लैरिटी ऐसी कर दे सबको क्रेज़ी तो ये जो है एक मैंने सुना आप लैला मजनू की स्टोरी खूब सुनाते हैं लड़कियों के चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत पिटोगे मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है इसको प्यार समझा वो गदा है? गदा है। <laughs> <laughs> तो मैं सुन रहा था आपकी बात कि तो पढ़ाते वक्त एंटरटेनमेंट होना चाहिए पर आपने एंटरटेनमेंट में पढ़ाई डाल दी एक फिल्म जो बनती है ना वो तीन घंटे की फिल्म लोगों को दिखती है बट उससे पीछे के तीन साल का मेहनत नहीं दिखता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि, कि कोई टीचर उठ के आए और सीधे पढ़ा दिए वहाँ पे एक घंटे उस एक घंटे के पीछे तीन घंटे का उनका मेहनत होना चाहिए उनको लगना चाहिए कि ये जो लड़का है ना इसको हमको वर्ल्ड लेवल पर कंपिटीट कराना है ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ा के चल दिए यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको क्या एग्जाम्पल देना है लड़के का मेंटल स्टेटस क्या है हर लड़का एक जैसा नहीं होता है कुछ लड़के बहुत हाई लेवल के होते हैं कुछ बहुत लो होते हैं तो उसको मिला के चलना पड़ता है ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए वो क्या सीखना चाह रहे हैं जब वो सीख जाए ना तब पता चले और ये, ये यही सीखना था तो काफ़ी हमको इसमें बहुत इंटरेस्ट लगता है हम लड़कों को पहले तो मेरा यही टारगेट रहता है कि लड़कों को ये ना पता चले उसको सीखना क्या जब सीख जाता है ना तब तो कहता है सर केमिस्ट्री का ट्रिपल बॉन्ड देख रहा है ना कितना इजी था वेरी गुड वेरी गुड खान सर आपने बताया कि भाई मूवी बनने में तीन घंटे का तीन साल लग जाता है अब तीन घंटे का मूवी बनने में तीन साल लगता है उसमें इतना विजुअलाइजेशन इतना तैयारी होता है तो खान सर को जब एक घंटे का क्लास लेना होता है तो उसके पीछे क्या प्रिपरेशन होता है और कैसे प्रिपेयर करते क्योंकि आपके कंटेंट में थड़थर थ सुपर फास्ट एक्सप्रेस और इतनी स्पीड से आप बोलते जाते हैं और इतना कंटेंट इतना जाता है आपका वर्ल्ड पर मेरे... मैं मैं सोचता हूँ मैं तेज बोलता था आपसे मिलने के बाद हमको लगा भाई कुछ सीखना पड़ेगा करके तो ये क्या तैयारी करके रखते हैं कि ऐसा निकलता है आपके यहाँ से जैसे मतलब कभी आदमी भागता हो तो उसके शरीर से पसीना निकलता है आप और हम लोग भागते तो कॉन्टेंट निकलता है तो वो तैयारी क्या करते हैं प्रिपरेशन चुटकुला कैसे डालते हैं चुटकुला पहले सोच के आते हैं वही ऑन द स्पॉट प्लान करते हैं हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना तो हम लोग पढ़ने में एकदम बेवकूफ़ थे मतलब चालीस लड़कों के स्टूडेंट में थर्टी रैंकिंग आती थी अब बहुत हालत ख़राब था कभी कभी ऐसा लगा कि मतलब अब हम लोग के बस का पढ़ाई नहीं है तो एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया था साइंस या कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको समझ में नहीं आ रहा था तो मेरे एक दोस्त हमको बताया पूरा बेहतरीन समझ में आ गया तब समझ में आया कि मेरी गलती नहीं पढ़ाने वाले लोग को लगा कि उनके बराबर हमको भी नॉलेज है तब हमको ये रियलाइज हुआ कि हमारा काम पढ़ाने से ज़्यादा समझाने पे होना चाहिए लड़का को क्या समझ में आ रहा है वहाँ पे, उसका लेवल क्या चीज़ है तो शुरुआत में काफ़ी मेहनत हुआ था कि कभी दो तीन लड़कों को समझाते थे कि तुम समझा कि नहीं समझा हम खास करके उस फील्ड के इंसान को समझाते थे जिसको कोई लेना देना नहीं अब जैसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना है तो किसी नॉर्मल इंसान को लो जिसको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं हल्का भी इंटरेस्ट आ रहा है मतलब थोड़ा ठीक ठाक जा रहे हैं आप तो कोशिश यही रहती है कि पढ़ाई उस इंसान को भी पढ़ा दिया जाए जो बीस साल पहले पढ़ाई छोड़ चुका है और उसके अंदर ललक जग जाए कि हमने क्यों छोड़ा था मेरा प्रश्न ये भी है साथ में

तो वो ना एकदम टेंशन फ्री हो जाता है बाहुबली को क्यों मारा यह प्रश्न तो देश में बहुत हुआ एक और प्रश्न देश में बहुत है वो यह है कि खान सर का असली नाम क्या है तो आपको इतना नॉलेज है खान सर क्या खान सर ने कभी यूपीएससी ट्राई किया खान सर कौन है एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगे बिहार में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है जो तो नेशनल एवरेज है बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट एवरेज बेरोजगारी से डबल चल रहा है आपके हिसाब से इसका क्या कारण है मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू देखा कि वो गाँव से आया अच्छा वो बच्चा जो है आकर के एन की कुछ तैयारी कर रहा था घर वाले तीन हज़ार रुपये महीना दिए पंद्रह सौ रुपया जो है जिसमें उसका किराया निकल जाए और आप खाली ढाई सौ में पढ़ा दें और साढ़े बारह सौ में वो घर भी चलाए तो ये जो आपने किया इतनी मुश्किलों में आप बच्चे को जहाँ इतना अभाव है वहाँ पर भी आप इतना बड़ा करना चाह रहे हैं आप ऐसे बच्चों को आज कोई इंपॉर्टेंट अगर एक मैसेज देना चाहे भाई ये तो मैंने करी तारीफ लेकिन अब मैं आपसे मैसेज मांगू तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप बच्चों को बड़ा बड़ा भारत भारत प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म से नाम ही है इसका हर स्टूडेंट को ना इतना जी जान लगा के मेहनत करना चाहिए ना कि उसकी सफलता से केवल उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा देश गौरवान्वित होना चाहिए आज अब्दुल कलाम विवेक बिंद्रा जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों से केवल उनका परिवार प्रभावित नहीं है पूरा देश प्रभावित है तो उसकी मेहनत उस तरह से होना चाहिए कि उसको देश को प्रभावित करना है ऐसा नहीं कि एक घंटा पढ़ लिए या कर लिए तो उनको पूरी मेहनत करना चाहिए और ये जो डिस्ट्रैक्शन की बात उनको ऐसे चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो उनके काम लायक चीजें बहुत सारी चीजें ऐसे एंटरटेनमेंट की तौर पे है लेकिन वो काम लायक चीजें तो इस सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए और हमेशा देश के बारे में सोचना चाहिए ग्लोब पे हमारे काम का कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है मैंने सुना है कि आप एक स्ट्रिक्ट टीचर भी हैं और कभी-कभार थोड़ा मतलब आ... देखिए हमारी एक चीज सिद्धांत है किसी चीज में ना बेस्ट मारेंगे अगर पढ़ाएंगे ना तो बढ़िया से पीटेंगे तो बढ़िया से बदमाशी करेंगे तो बढ़िया से देखिए हम यही कहते हैं ना कि एक लड़के का अगर रिजल्ट होता है किसी चीज में यूपीएससी से लेके ग्रुप डी से लेके यूपीएससी रुकिए रुकिए पीट भी डालते हैं आप हम पीट दे पुलिस वाला लाठी रखे हम ऑन कैमरा पीट देते हैं रीजन क्या है कि एक तो अगर लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है तो तुम अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहा है तुम अगर लौटेगा तो दूसरे पड़ोसी जो गरीब लड़का है वो कहेगा ना कि उनका लड़का तीन साल पढ़ा और रिजल्ट ही नहीं हुआ नहीं। 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 तो हम तो गरीब है तुम कहां तुम से हम तुमको लौटने नहीं देंगे क्योंकि अकेला लौटा तो दस का रास्ता रोकेगा और लड़कियाँ लड़कियों जो है ना वो एक एग्जाम से तो लड़ती हैं दूसरा बेचारी परिवार और समाज से लड़ती हैं गाँव वाले पढ़ने नहीं भेजना चाहता उनको यहाँ यहाँ पे छिड़खा करेंगे लोग अलग से रूम रखें इन लोग के लिए तो मतलब आपको डर नहीं लगता कि बच्चा कहीं आपसे आकर के बाद में बाहर

बिल्कुल ठीक मैं सुना सबसे राखी आपका हाँ सबसे ज्यादा बांधी ब्लड रुक गया था मेरा <laughs> <laughs> तो कि, कितना ढाई तीन हजार राखी बाईस थी बाईस हाँ, एक बाउंस बैक इवेंट था पटना में उसके बाद मैं दोबारा नहीं किया इवेंट मैं बताता हूँ आपको कारण क्या हुआ वो हमारा इवेंट हो गया ओवर शोल्ड अच्छा हॉल के अंदर जगह केवल दो हजार लोगों की कृष्णा मेमोरियल हाँ मुझे याद नहीं क्या था जगह का तो केवल दो हजार लोग बैठ सकते वहाँ एडजस्ट कर करा के बाईस सौ तेईस सौ चौबीस सौ आदमी घुस गया अब बाहर दो हजार आदमी और खाली खड़ा तो उनमें जो है हमारे पास हमारे सेल्स के आदमी बैठे बाहर तो ऐसा करके आया और यूँ कान खोजा और बोला बिंद्रा जी से कह दीजिएगा दिल्ली पहुंच नहीं पाइएगा <laughs> तो वो हमारी टीम आ भाग गई वहाँ से बोला कह रहे दिल्ली पहुंच नहीं पाइएगा तो उस दिन के बाद हम दोबारा पटना गए नहीं पहुँच कर रहे क्योंकि मतलब दबंग है लोग वहाँ के और आपने मतलब किसी को दबंग होते वक्त खुद को इतना मजबूत कर लिया कि फिर आप में अंदर वो भय नहीं आया ऐसा आप नहीं है अब हम आपको खुद इन्वाइट करते हैं कि आप चलिएगा हम खड़े रहेंगे मेरा आपसे एक प्रश्न है थोड़ा अलग प्रश्न है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है ये प्रश्न तो देश में बहुत हुआ एक और प्रश्न देश में बहुत है वो ये है कि खान सर का असली नाम क्या है और वो प्रश्न ये है कि भाई खान सर जो है वैसे तो देखो आदमी अपने नाम से नहीं अपने काम से बड़ा होता है और आप अपने काम से बड़े हैं तो आपका नाम क्या है इसके पीछे बहुत कहानियाँ हैं अब जो कहानी आप बताना चाहेंगे आज हम वो कहानी सुनना चाहते हैं देखिए हम एक नॉर्मल से जब शुरुआत में थे तो एक लड़का था तो उस क्लास को ही हटाना पड़ा जो था बाद में पांच छह लड़के आए पढ़ने के लिए तो धीरे धीरे लड़के अचानक बढ़ने लगे तो एक कोचिंग वाले ने ऐसे नाम दे दिया खान सर और बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से ही बुलाते हैं कोई अमित सिंह बुला दिया कोई खान सर बुला दिया और कोई जालिम खान बुला दिया किसी को जो मन हो बुलाना है बुला सकते बात ये नहीं है कि नाम क्या चीज़ है बात ये कि हम अपने देश को प्रेजेंट करना चाहते हैं हमारा मेन मकसद है कि हमें जाति धर्म से मतलब नहीं है हमारी एक सिंगल सी एंटिटी है एक पहचान है कि हम एक हिंदुस्तानी है बस एनफ है यहाँ पर आपकी हर बात सुन के लगता है आप एक देशभक्त हैं बहुत अच्छा लगा मुझे मैं कुछ रैपिड फायर ले सकता हूँ आपके साथ हाँ तेज क्वेश्चन होगा और आपको तेज आंसर करना है तो आपकी कहानी पर क्या आप कोई बायोपिक बननी चाहिए कहीं बात हो रही है कुछ लोग आए थे बात कर रहे हैं हमको मतलब बहुत ज्यादा फिल्मों का आइडिया नहीं है इसलिए हम नॉर्मल बात कर दी। उनसे ठीक है देखा जाएगा आप पढ़ाते वक्त इतने बेबाक रहते हैं तो क्या कभी माता पिता ने गुस्सा करके आपको डांट लगाई कभी कभी मम्मी थोड़ा सा चिंता में रहती की बाबू ये सब कुछ भी कुछ भी कहा बोल देता है तुम खान सर कौन है एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगे हिंदुस्तानी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कितना भी कुछ हो जाएगा हम अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कमजोरी में थोड़ा इमोशन हो जाता है स्टूडेंट को देखते हैं तुमको तो कभी कभी दूसरे के इमोशंस में ना ऐसा लगने लगता है एक मेरा ही प्रॉब्लम है तो अपना काम छोड़ के सोचने पहले इसका सॉल्व कर दे तो एक लेवल तक ये ठीक रहता है इमोशन ज़्यादा हो जाते हैं क्या खान सर को कभी झूठ बोलना पड़ता है लाइफ में ना कई बार आपको ना किसी के अच्छाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है बहुत बार ऐसा झूठ बोलना पड़ता है क्या खान सर एक स्पिरिचुअल पर्सन है हाँ स्पिरिचुअल हैं मतलब धार्मिक हैं बट हम ए, मेरे दो लाइफ एक है अपने पर्सनल लाइफ हम किसी से मतलब ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते आप दूसरों को डिस्ट्रैक्शन को दूर कर रहे हैं अभी डिस्ट्रैक्शन दूर करने के लिए अच्छा मैसेज दिया क्या खान सर खुद कभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं एक एज होता है डिस्ट्रैक्शन का जिस एज में हम लोग थे डिस्ट्रैक्शन के उस एज में ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी ना लाइफ में कि वो खुद ही अपने आप में एक टॉर्चर था कोई मतलब क्यों आपके पास कोई आएगा आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो अब खाली घर में कोई भी चोरी तो हुई नहीं है <laughs> तो एक वो सर्टन है बहुत अच्छा हुआ ऊपर वाले से हम दुआ मांगते हैं कि जिस एज में डिस्ट्रैक्शन होता है उस एज में इतनी प्रॉब्लम आई थी कि वो एज उसी प्रॉब्लम्स को दूर करते करते खत्म हो गया आपके कितने बच्चों ने अभी तक कोई सरकारी एग्जाम क्लियर किया है हम तो सरकारी एग्जाम की अगर बात करें तो शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगा जहाँ के नहीं होंगे क्योंकि एक्चुअली क्या है कि चार पांच साल से पढ़ाने जैसे जिसको आज पढ़ाएंगे वो तो दो साल बाद जाएगा तो इसका एजुकेशन का ना टर्म थोड़ा सा लंबा होता है तो कम हो हर डिपार्टमेंट में आपको इतना नॉलेज है खान सर क्या खान सर ने कभी यूपीएससी ट्राई किया हमको बस जाना था तो एनडीए में तो बस और कहीं सपना ही नहीं देख रहे थे बंदू चलाने का शौक हर टाइप का बंदूक इवन अगर आप गौर कीजिएगा या लोग जो गौर किए होंगे जो चीज़ सेना से रिलेटेड रहती है ना वो हम बहुत डीप से अंदर बता देते हैं कई बार ऐसा होता है ना कि ऊपर से कुछ लोग कॉल करते हैं खान साहब इतना डिटेल मत बताइए तो अब क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें बता के उन लोग को भेज देते हैं देखिए तो ये ठीक ठाक है ना तो <laughs> मैंने इस चीज़ को काट दीजिए बिहार में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है जो नेशनल एवरेज है बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट एवरेज बेरोजगारी उससे डबल चल रहा है आपके हिसाब से इसका क्या कारण है बिहार में ना स्किल्ड की प्रॉब्लम है वहाँ जैसे कोई आता है काम करने के लिए वो ये बोलता है कि हमको काम चाहिए वो उसे बोलना चाहिए कि हम ये काम जानते हैं क्या ये वाला है कि नहीं आपके पास तो वहाँ पे स्किल्ड की बहुत कमी है स्किल्ड है और अनऑर्गेनाइज तरीके जैसे कि आएगी अभी को, कोई योजना चलेगी गवर्नमेंट की तो हर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में उसको खोल देंगे बस जहाँ आपका दूर गया तो कंट्रोलिंग से पावर खत्म हो जाता है उसको सेंट्रलाइज करना चाहिए आपको सीखना है ना तो आप पटना आइए आप जिंदगी भर के लिए थोड़ी आ रहे हैं एक दो महीना पे आप, आप खोल के चले जाइएगा बट ये जो गांव कंट्रोल नहीं हो पाता है तो फिर वो एक चीज़ गड़बड़ी है स्किल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक वर्किंग कल्चर भी वहाँ पे ना जो एक तरह का एक जैसे गुजरातियों का एक बिजनेस कल्चर ही है वहाँ पर तो वहाँ अभी भी ना नौकरी को बहुत प्रेफ्रेंस देते हैं एक दादी जी थी बहुत बूढ़ी हो गई थी तो उनसे हम मिलने गए बहुत खुश हुई कि बाबू वो खूब आशीर्वाद दी कहीं कि सब तो ठीक बा एक नौकरी हो जाए सरकारी तब ठीक रही अगर बच्चों के दिल की बात करनी हो आप बच्चों के दिल की बात करते हैं लेकिन अगर अपनी खुद की दिल की बात करनी हो तो किसके पास जाते हैं बच्चे तो आपके पास आते हैं आप किसके पास जाते हैं दिल में जो रहता है हम बच्चों को बोल देते हैं ऐसा कोई पर्सनल चीज़ें नहीं रहा है और अभी अब जस्ट पहले कि झूठ बोलने के लिए हम सबसे ज़्यादा अगर झूठ बोले थे ना <laughs> तो कोरोना के टाइम पे एक्चुअली क्या था ना कोरोना में लोग डर के मारे बहुत ज्यादा लोगों की जान जा रही थी तो अगर हम पहले पूछ लेते थे तुम्हें उसका प्रॉब्लम क्या है जैसे कर उसका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है फटाक से बोलते थे घट रहा है अच्छी बात है ये सबसे तेज रिकवर कर रहे हैं जिनका साठ हो जा रहा है ना साठ के बाद अचानक से बूम कर दे रहा है तो वो ठीक होने के लिए नहीं सोच रहा था वो सोच रहा था खान सर बोले ऑक्सीजन लेवल साठ आएगा ठीक हो जाएंगे साठ जल्दी आओ जल्दी आओ

क्या बात है आपका कोई अपना वीडियो जो आपको बहुत पसंद हो कई सारे ऐसे अब, अचानक अपने बार, अपने वीडियो में कैसे अब जो इतना आदमी बोल देता है रिसर्च कर देता है कि इंटरेस्ट उसमें समझ जाता है कोई मेरा ऐसा वीडियो जो आपको बहुत पसंद हो दुनिया आपको क्यों जाने वाई पीपल नो यू और एक जो आपने बोला था कि हम भारत माँ का भारत के एक संतान का चैनल सबसे आगे चला गया वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल था मतलब उसी को देख के हम यहाँ आए आपको बताने बता भी देंगे आप ही की वजह से हमने सोचा कि वजह से नहीं आपकी मेहनत तो और बच्चों के प्यार से है अच्छा मान लीजिए आपने कुछ पढ़ाया और स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो इसमें टीचर की कितनी गलती है और स्टूडेंट की कितनी गलती है इस बात से कई टीचर हमसे नाराज भी हो जाते हैं हम ये कहते हैं कि अगर स्टूडेंट क्लास में नहीं आया है उसके बाद फेल हो जाता है तो स्टूडेंट की गलती है क्लास में बैठ के फेल हो जाता है तो आपकी गलती है कैसे हो गया यहाँ पर तो ये बहुत मायने रखता है आपकी एक रिस्पॉसिबिलिटी आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि नहीं समझ में आया आप आप उसको उस लेवल पे ले जाके समझाइए और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाता है जब हम लोग भी शुरू में पढ़ाते थे ना तो एक आइडिया लगता था कि एक फ्लो में पढ़ा देते थे लेकिन अभी आइडिया है कि हाँ यहाँ तक हमको जाना है यहाँ ये पक्का फंसेगा तो इसलिए उसको हंसा खिला के वहां तक में निकाल देते हैं तो आप टीचर को बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति मानना चाहते हैं कि भाई टीचर की जिम्मेदारी है उसके साथ एक और चीज़ कहते हैं टीचर की बहुत सारी जिम्मेदारी है आपको यह सोचना आपको दिमाग से यह हटा देना चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत बड़े मैं आप टीचर बन गए ना तो आपको अपनी आप, लाइफ से स्टूडेंट को कनेक्ट करना है अब पता चला हम यहां से एक आधा बाल इधर रंग दे आधा इधर रंग दे कहें कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है तो क्या को टीचर बन गया आपको पर्सनल लाइफ में जाइए ना फिल्म दुनिया में यहां पर नाचे गए ये, ये मतलब एक कंट्रोल में रहना चाहिए कि आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं आप यहां आए हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है सिलेबस के बाद भी एक ऐसी जिम्मेदारी है जो लाइफ टाइम उसको सिखाना है सर्वांगीण विकास होना चाहिए उसके पास ताकि उसको लगे कि हाँ ये हिंदुस्तान से पढ़ के गया है कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं तो लोग कई बार आपको बुराई भी करते हैं और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई होंगी आपके साथ कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने आपका दिल दुखाया हो एक बिना मतलब की कंट्रोवर्सी हो गई थी जो इंडिया से उसका कोई टॉपिक नहीं था एक्चुअली एक टॉपिक चल रही थी ए, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाला जा रहा था तो अक्सर देखते होंगे इंटरनेशनल रिलेशन चूंकि करंट अफेयर में जरूरी होता है तो टॉपिक था कंप्लीटली डेडिकेटेड था पाकिस्तान और फ्रांस से उसको इंडिया से कोई मतलब ही नहीं था तो हम जो भी चीज़ें बता रहे थे पाकिस्तान का बता रहे थे बट क्या हुआ ना कुछ पाकिस्तानी चैनलों ने ना पाकिस्तान हटा दिया फ्रांस हटा दिया धीरे धीरे पाकिस्तान से इंडिया की ओर चलाया कुछ गाने भी होते हैं आप देखते हो पाकिस्तान से इंडिया की ओर आके बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाते हैं तो उनका था और यहाँ बिना मतलब कि इन लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी बाद में जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी की थी वो पर्सनली कॉल भी किए और कहें कि सर हम वापस आपसे सॉरी बोलते हैं हम कहें अब अब तुम बार चौपट करके एक तो बिना मतलब का काम के उसमें सॉरी बोलता रहने दो भाई ऐसे ही रहने दो यहाँ पर बाद में धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ वो टॉपिक ही इंडिया का नहीं था तो एक होता ना कि इंडिया का टॉपिक रहे तो बोलो तो समझ में भी आता है मैंने सुना एक कंपनी ने भी आपको ज्वाइन करने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर किए थे एक सौ सात करोड़ एक सौ सात करोड़ वाह वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था बहुत कुछ नहीं था उस समय आपने मना कर दिया हाँ क्यों मना किया आपने उनके पास जाने का मतलब ये हो जाएगा कि आप अपनी फीस को बढ़ाइए जो दो सौ रुपये की फीस है उसको दो हज़ार करिए फिर जाके दस हज़ार करिए लड़का तो पढ़ेगा अब जैसे मान के चलिए किसी को खानसा से पढ़ना है तो दो सौ के जगह हम उसको पाँच सौ भी करेंगे तो क्या थोड़ा सा कहेगा कि सर नहीं बढ़ाइए फिर तो पढ़ेगा ही वहाँ पे तो ये चीज़ें थी उनका कहना हम कहते कि नहीं फ़ी अगर दो सौ ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं फी वो बढ़ाएंगे कहेंगे सर हम आपको एक सौ सात करोड़ देंगे दो सौ रुपये की फीस में हम कहें नहीं चाहिए तो चला तो आप एडटेक टेक फॉर्म ही रहे हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं बयालीस लाख बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं दो सौ ढाई सौ रुपया आप डेढ़ एक सौ अस्सी रुपया कुछ ले रहे हैं उनसे तो आए थे अलग पांडे जी वो भी फंडिंग ले गए साढ़े सात आठ हज़ार करोड़ की इनकी जो है आज कंपनी हो गई है तो खान सर फंडिंग लेंगे नहीं लेंगे एक्चुअली क्या आएगी जब हम लोग यू वाले सेगमेंट में जा रहे हैं ना तो वहाँ बच्चों को हमको एकदम प्राइम फैसिलिटीज़ देनी है मतलब वो चीज़ जो उसके पास नहीं है ऐसा फील देना है ना कि वो आने के बाद वो उसको लग गया कि अब मेरा तो वही हो गया वहाँ पे तो वहाँ पे अगर इस टाइप का अगर कुछ लगेगा तो आदमी आगे सोचेगा क्योंकि लड़कों को इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव के लड़कों को ना हमको वो फील देना है ना कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लग जाए कि ये चीज़ इसके सिवा कहीं नहीं मिल सकती थी मतलब दो दो से तीन लाख में मिल रहा है हमको वो मामूली मतलब जब जैसे दो लाख ढाई लाख फीस को आप आठ दस हज़ार तक सप्रेस करेंगे उससे ज्यादा तो वो सप्रेस भी नहीं हो पाएगा कोई भी पढ़ा लिखा सोचेगा तो इससे ज्यादा क्या सप्रेस हो पाए तो उस टाइम पे हो सकता है कि जरूरत लगे बट एट द लास्ट एंड यही है कि गांव के लड़कों को भी हमको जहां तंजन आप नहीं हिलाना चाहते हैं मिशन के लिए जरूर पड़ेगी तो पैसा उठाएंगे भी, लेकिन बाकी बच्चों तक ताकि वो और इंस्पायर्ड आप में बिजनेस मॉडल भी बहुत सुंदर है बनाया। खान सर एक ऐसे एजुकेटर है एक ऐसे टीचर प्रन्य है जिन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर मैं चाहूंगा इस मैसेज को सही आदमी तक सही व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं सही बच्चों तक जरूर पहुंचाएं और बस थोड़ा सा और इंतजार आ गया एक और बड़ा बुधवार अगले बुधवार फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हमारा उत्साह बढ़ता है आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें लेकिन इसको सही व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद खान सर आपका विशेष धन्यवाद, धन्यवाद।